अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज है संडे का दिन, लास्ट हॉलीडे, और लास्ट हॉलीडे तो ऐसी गुजरी है जैसे इससे बुरा कुछ दिन ही नहीं गुजरा। खैर, अभी हम निकले हैं घर से और हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने बहरिया टाउन। उससे पहले फ्यूलिंग करानी है, टायरों में हवा डलवानी है और कुछ छोटे छोटे काम करने हैं। मेरे बराबर से जहाज़ गुजर रहा था, हालांकि बिल्कुल मूड नहीं था मेरा बहरिया टाउन जाने का। तबीयत इतनी डाउन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं थोड़े से, पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है। तो दो दिन गोश्त खाने के बाद आज दिल चाह रहा है कि आप दाल चावल या खिचड़ी बनवा के खा लें। मैंने आंटी से कहा, आंटी आज आप खिचड़ी पका लें, इसलिए मैं बिल्कुल गोश्त नहीं खाऊंगा। इंसान भी बहुत नाशुक्र है जब उसे दुनिया की हर नेमत मिल जाए तो वो कुछ चाहता ही नहीं कि उसके पास हो। खैर, हम जा रहे हैं बहरिया टाउन ग्रॉसरी करने और आपको लेके जा रहे हैं अपने साथ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हैस्कॉल जो कि है मलीर कैंट रोड पर, जुना एवेन्यू पे, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मेरे लिए पेड प्रमोशन वाली पैलेट भी नहीं होती पास, बट रियली इनका जो फ्यूल है, फ्यूल की क्वालिटी एंड फ्यूल की क्वांटिटी बोथ आर एक्सट्रीमली गुड। और मेरे ख्याल से जब भी मैंने इनसे यहाँ से फ्यूल डलवाया है तो उसका एवरेज हमेशा अच्छा आया। और आप कभी ट्राई करके देखें, देयर फ्यूल इज रियली गुड। फ्यूल प्राइसेस तो आप मुलाहिज़ा फरमाएं, हाई ऑक्टेन 312 रुपये लीटर हो गया है, कमाल ही हो गया वैसे। हाँ बेटा, एक मिनट कार्ड अंदर से रख देता हूँ, अभी अंदर से आ जाए। पाँच दिन से सबसे मिल के सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप बिल्कुल सबसे दूर आइसोलेशन में एक नेवर एंडिंग वाली रोड पर चलते रहें जहाँ कोई आपसे बातचीत करने वाला ना हो और आपका अपना एक पुरसकून था। मतलब लोगों से हर वक्त मिलना भी इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप हर वक्त लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इससे भी तंग हो जाते हैं। खैर, आपको सोशलाइज तो करना पड़ता है, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए, ना चाहते हुए भी। हमारी बेगम साहिबा अपना कार्ड घर भूल कर आ गई हैं और वो मेरा कार्ड लेके चली गई हैं अंदर मार्ट के अंदर, और बेचारा पेट्रोल पंप वाला डर रहा है कि ये पेट्रोल तो उन्होंने डलवा लिया है, अभी भाग ही ना जाए। क्या लेकर आ रहे हैं बदतमीज? ओके, ये किसने पार्टी करा दी? किसने कराई ये पार्टी? मम्मा ने मेरे कार्ड पे पार्टी कराई कि अपने पास से पार्टी कराई है? मेरे कार्ड पे पार्टी, वेरी गुड वेरी गुड। अम्मा है कहाँ? रहेगा कहीं? उन्हें कार्ड मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, भाग नहीं रहा भाई। वो इंतजार कर रहा है आपका, आप कहाँ चली गई कार्ड लेकर? अरे यार, फिर भूल अपना अपनी पे डाल रही थी। तो आप कार्ड लेकर आती हैं अपना? सबसे पहले मैंने ली दवाई, उसके बाद लास्ट मंथ जब मैंने ग्रॉसरी की थी तो मेरी एक मेडिसिन थी जो मुझे ये दे नहीं सके थे और उसका बिल भी सेपरेट था। तो मैं इनके कस्टमर केयर पे आया हूँ आफ्टर अ मंथ्स टाइम, तो देखते हैं कि इनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, ये हमें वो अपना जो मेडिसिन है क्या वो मुझे एक महीने बाद यहाँ से मिलती है कि नहीं। मैंने अभी कंप्लेन तो करी है इनसे, ये लास्ट टाइम इनके फार्मेसी वाले देने से रह गए थे, सो लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती। आप थोड़ी दिन आए, हमने अपनी कस्टमर केयर सर्विस में कंप्लेन लॉन्च की है आपकी, अगर मिल जाती है तो आपको रिफंड कर देंगे। वैसे मेरे ख्याल से इनके जितना कंप्यूटराइज सिस्टम है और ट्रैक होता है तो दे शुड हैव कैप्ट इट समवेयर। लेट्स सी। आके बीबी से पूछा कि तुमने मशरूम्स देखे रखे हैं कि नहीं रखे, तो कहती है सुने से मैं मशरूम्स देखना भूल गई। अच्छा, मैं कहा ठीक है, फिर मैं आ गया है, मैं कहा तुमने मिल्क पैक की क्रीम्स देखी हैं रखी हैं, तो कहती है सुने मैं मिल्क पैक की क्रीम देखना ही भूल गई। जब मैं आ गया, मैं कहा चिकन क्यूब्स रखी हैं, तो कहती मैं वो भी देखना भूल गई, और कहती बाकी मैंने हर चीज़, मैं जो चीज़ इससे पूछ रहा हूँ तुमने देखी है तो वो उसे याद नहीं है, और ग्रॉसरी करने बाजार मेरे साथ आ गई। कराई थी तुम घर से कि क्या रखा है? वही पर्चा मैंने बनाया था कि रखा कि नहीं रखा। माई फेवरेट पार्ट ऑफ शॉपिंग कि मैं आपके लिए ले रहा हूँ चने, ये भी ले लें तुम्हारे लिए। अच्छा, ले लेते हैं। क्या ले लेते? ये देखिए बाप पैकिंग कर रहे हैं। बाप आप अकेले किया करें पैकिंग? अच्छी
बैठ के वेट कर रही हूँ। इन्होंने मुझे जो मेरी मेडिसिन थी उसका बिल का वाउचर बना के दे दिया एंड दे सेड आप किसी भी इम्तियाज से कोई भी चीज कोई भी शॉपिंग करें और उसमें उसको एडजस्ट करा लें एंड हियर इट इज दिस इज अ गुड थिंग एटलीस्ट आप किसी की दवा या चीज नहीं है तो यू दे हैव फैसिलिटेटेड मी थैंक यू इम्तियाज। हम ग्रॉसरी करके बाहर आ गए हैं और मेरी तबीयत इस वक्त ऐसी हो रही है कि अगर मुझसे कोई कहे कि आप गाड़ी यहीं पार्क कर दें और आपको हम ले जाएंगे तो आई विल श्योरली अवेल दिस ऑफर, इसलिए कि मैं बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूँ। इतना शदीद मुझे हेडेक और रेस्टलेसनेस हो रही है कि मेरी समझ नहीं आ रहा मैं कल ऑफिस भी कैसे जाऊँगा। बहरहाल ऑफिस की छुट्टी तो नहीं कर सकता मैं, जिस सिनेरियो में इस वक्त हम हैं बहुत बुरा प्रेशर है और इस वक्त मेरे अपने ऊपर भी जो थकन का प्रेशर है वो भी बहुत शदीद है। मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ 3-4 दिन में बल्कि 6 दिन में और दिल चाह रहा है घर जाके 2 पेन किलर्स लूँ और सो जाऊँ और 3-4 दिन बाद उठूँ। आई विश रफिया कर क्या रही है, भाग रही है और रोड स्ट्रट्स के ऊपर पाँव रख रख के भाग रही है। रफिया जब तुम गिरोगी ना तो मुझे आवाज़ नहीं देना कि मैं गिर गई, ठीक है रफिया? क्या करूँगी, मम्मा बचा लेंगी, मम्मा खुद गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। कौन सी बच्ची को, अरे नहीं भाई किसी और की बच्ची को कैप्चर करें, हम खुद इतने प्यारे क्यूट हूँ और अभी भी बहुत ही क्यूट हूँ। जी हाँ जी नहीं नॉट एट ऑल, कोई कम क्यूट होता है कोई ज्यादा क्यूट होता है, थोड़े थोड़े होते हैं सर। नहीं नहीं वो मेरी अम्मी नहीं मगर वो कहती मैं ज्यादा क्यूट हूँ। गई हैं तब आप जिस बेकर्स में, उनको भूख लग रही थी कुछ लेने के लिए और मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ मैं इतनी लंबी 8 घंटे की ड्राइव करके घर वापस कैसे जाऊँगा। बेचारा रास्ते से पहले कोई पेन किलर लगवाऊँ, हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता, मैं दवाएं कभी भी नहीं खाता, नेवर, ना कोई पेन किलर ना कोई ऐसी दवा, पर इस वक्त कंडीशन ऐसी हो रही है जैसे बेहोश होने वाला हूँ मैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सुबह मेरे ऑफिस जाने का, ऑफिस जाके किसी से कोई काम करने का ना मिलने का ना बात करने का, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस, हालांकि मैं तो मशहूर हूँ कि ऑफिस छुट्टी नहीं करता, मेरी छुट्टियाँ लैप्स कर जाती हैं, बट फिर आई डोंट वांट टू गो टू, शदीद सर में दर्द हो रहा है बट जाना तो होगा। इम्तियाज से आने के बाद नाज़रीन और हाज़रीन राहील अहमद पड़ गए हमारे बीमार और इसी वजह से हम 2 दिन से अपना वीलॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि शदीद वाले जो है बीमार पड़े हुए हैं, बुखार क्या कह रहे क्या, हाँ क्योंकि मैं खिदमत कर रही थी और अब मैं खिदमत कर करके थक चुकी हूँ लिहाजा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकती हूँ आपकी, लेकिन ये कि थोड़ी सी आवाज़ निकाल लें कुछ ज़्यादा ही ना मेरे मियाँ बच्चे बन जाते हैं, मसला ये कि बच्चे तो मेरे फिर खा लेते हैं पी लेते हैं, इनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कुछ खा लें कर लें ये कर लें वो कर लें। अभी देखिए बेटी से कैसी बातें हो रही हैं बैठ के, आवाज़ निकल नहीं रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज काफ़ी बेहतर है, 2 दिन बाद ऐसी आवाज़ निकलना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी बीमार मुर्गी लग रहे हैं। आपको दिखाते हैं राहील अहमद की नजार दिखा करवाते हैं, देखें हाँ जी कैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आवाज़ निकले तो मुसीबत, आवाज़ ना निकले तो मुसीबत, मतलब ये तो ब्लेसिंग है ना कि मेरी आवाज़ से निकल रही है आपको मेरी आवाज़। हाँ बच्चों से पूछे क्या है, ये तो सब लोगों के लिए बहुत हुआ है, लेकिन आज मैं काबिल हो गया हूँ कि व्लॉग कैसे रहे, लग कैसे रहे, सुबह से पड़ी थी जो है थोड़ा सा व्लॉग रह गया था उसे एडिट करके लगा दो एडिट करके लगा दो, मैं बीवी की मिन्नत करके थक गया व्लॉग एडिट कर दो, उसने व्लॉग एडिट नहीं किया और आखिर में मेरे आवाज तो निकाल लो, एनर्जी लेवल आ गया कि मैं व्लॉग खुद ही लगा दूंगा। अभी भी देखें कैसे हो रहे हैं, अभी आपके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कितनी देर बैठ सके, इसलिए चार पाँच सेकंड लेट जाए बेड पे, बता लेट सकता घबराहट और अभी भी ये चल खुदा हाफिज़ तो एंड कर दें जो उसकी भी हिम्मत नहीं है। बाय।